हिंदू धर्म में दीपावली के त्यौहार का विशेष महत्व माना जाता है। दीपावली का पर्व धनतेरस से शुरू होकर भाई दोस्त को समाप्त होता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र क्रेश शास्त्री ने बताया कि इस वर्ष दीपावली 14 नवंबर यानी दिन शनिवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम की वापसी पर अयोध्या में लोगों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। कहते हैं कि तभी से इस खुशी में दीपावली मनाई जाती है। हालांकि इस साल धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली की तिथियों को लेकर लोगों के बीच असमंजस चल रहे हैं। जानिए धनतेरस, छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी और दीपावली की सही तिथि और शुभ मुहूर्त। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर को मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार त्रयोदशी 12 नवंबर की शाम से लग जाएगी। ऐसे में धनतेरस की खरीदारी 12 नवंबर को भी की जा सकती है। हालांकि उदय तिथि में त्यौहार मनाया जाता है, ऐसे में धनतेरस 13 नवंबर को मनाई जाएगी। छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी, इस साल छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी पर स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर के सुबह 6:43 तक रहेगा। चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर को दोपहर 2:20 तक ही रहेगी। इसके बाद अमावस्या लगने से दिवाली भी इसी दिन मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त दीपावली 15 नवंबर की सुबह 10 तक ही अमावस्या तिथि रहेगी। अमावस्या तिथि में रात में भगवान गणेश जी की और मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऐसे में दिवाली भी इस साल 14 नवंबर को मनाई जाएगी। पूजन का मुहूर्त शाम 5:30 से लेकर के 7:28 तक रहेगा। सिंह लगन मुहूर्त रात 11:51 से लेकर के 2:12 तक रहेगा। 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी और अंतिम दिन 16 नवंबर को भाई दौज यानी चित्रगुप्त जयंती मनाई जाएगी। दरअसल इस बार हिंदी पंचांग के अनुसार द्वितीय तिथि नहीं है, इसके कारण तिथि घट रही है। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।